आठ दस बड़ी बीमारियों के नाम बताता हूँ, जैसे लंग फाइब्रोसिस। तो आयुर्वेद के पास तो कोई आता ही नहीं था लंग फाइब्रोसिस के लिए। स्क्लेरोडर्मा, इसके लिए आयुर्वेद में कोई आता ही नहीं था। लिकोडर्मा, उसके लिए थोड़े बहुत लोग ट्राई करते थे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आयुर्वेद में आती नहीं। तो बोला अब तो ये अच्छा, आयुर्वेद में भी अब पता नहीं इसका क्या कारण है। मैं अपने देखो, मैं मुझे अपने शास्त्रों ऋषियों की मैं कभी भी उनके बारे में निंदा तिरस्कार का तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है ना ये असाध्य है, उन असाध्य रोगों को हमने ठीक किया। से सोराइसिस है, सामान्य चर्म रोग तो आयुर्वेद में ठीक हो जाते थे, लेकिन सोराइसिस। फिर जैसे ये ऐसा लिया मैं ऑटोइम्यून डिजीज, फिर सभी तरह के कैंसर। गैंग्रीन जैसे रोग हमने, रेवन चीनी से थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, उसको अर्चा कहते हैं, इधर ऊपर हिमालय में मिलता है, अर्चा लगाया लोगों को। और फिर ये जो विधारा के पत्ते और गाय का घी और बाकी औषधि दिलाई, गैंग्रीन बहुत लोगों का हमने, मैंने खुद ठीक किया, सबका तो नहीं, बहुत लोगों का ठीक किया। तो जितना बच जाए उतना ठीक है ना, बाकी हाथ पैर का अंगुली सब चीज़ें काटनी पड़ती हैं, अंगुली फिर पैर फिर हाथ, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत।